मिश्रा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। सुबह का टाइम है, रितविन स्कूल जा चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट लास्ट मिनट जो दिवाली शॉपिंग है वो करने के लिए। धनतेरस की जो भी शॉपिंग है वो हम शाम को करेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से एक गेड़ी मार के आते हैं डी मार्ट, देखते हैं कुछ मिल जाए तो, क्योंकि ना घर पे डेकोरेशन का कुछ भी सामान नहीं है, तो अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ही लेंगे, अदरवाइज जो है उसी से काम चलाएंगे। सो फिलहाल हम जा रहे हैं डी मार्ट और कुछ और भी, जैसे कल जो भी बनेगा स्नैक्स आइटम उसके लिए कुछ सामान लेना है, तो वहां जा रहे हैं। सो यार लेट्स गो। गए हैं डी मार्ट से, और पिछली बार जितना अच्छा था ना डेकोरेशन का सामान, इस बार कुछ भी नहीं था, मतलब ना तो फालतू हम आए हैं ऐसा सोच रहे हैं, बट कुछ वो सामान ले लिया, अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लेके आए हैं ये वाला स्नैक बॉक्स, जिसमें मिठाई भी है और बाकी तरह तरह के स्नैक्स आइटम्स भी हैं। तो ये जैसे हम अपने फ्रेंड्स के घर जाएंगे ना दिवाली के दिन, तो ये सारे मतलब एक एक ले के जाएंगे, क्योंकि मिठाइयाँ ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमने सोचा इस बार ये देते हैं। और उसके बाद एक मस्टर्ड ऑयल लेके आई हूँ, साबूदाना लेके आई हूँ बड़ा वाला, क्योंकि प्रिंस को साबूदाना बड़ा बहुत पसंद है, तो वो बनाऊँगी। एंड सम्रानी धूप लेके आई हूँ, घी है, कैंडल्स हैं, और एक स्लाइस का बॉटल है अगेन गेस्ट के लिए, एक स्टील बॉटल लिया है, हार्पिक लिया है, मतलब बेसिन वगैरह क्लीन करने के लिए ख़त्म हो गया था उसका, मैं अलग से रखती हूँ, और पूजा का तेल, फिर ये एक वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करने वाला है, वो वाइट वाला ना चम्मच वगैरह रखने के लिए लेके आई हूँ, एक वाइट कलर का लाइट्स लिया है हमने, और ये प्लेट ऑलरेडी एक है, एक और लेके आई हूँ, बाथिंग सोप्स कुछ लिए हैं, और ये लिया है मूंगफली का तेल, तो जितने भी फ्राइंग चीज़ें होंगी वो इसमें होगा। और ये वाली जो प्लेट है ना, इस साइज़ का प्लेट मेरे पास था नहीं, तो ये मैं ले रही हूँ, वड़ा पाव बनाऊँगी ना तो सर्व करने के लिए ईजी रहेगा, बहुत ही सस्ता मिल गया। उसके बाद ना धनतेरस की शॉपिंग भी हमने लगे हाथ कर ली है, वैसे तो शाम को जाने वाले थे बट अभी ही कर ली। तो ये मैं अपनी हाउस हेल्पर के लिए साड़ी लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर साड़ी मुझे मिल गई थी और वो ऐसा ही पहनती है, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ उसके लिए, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर सोबर सा है। उसके बाद धनतेरस के नाम पे थोड़ा बहुत जो ज्वेलरी वगैरह है वो हमने लिया, और ये हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट डे में, मतलब आज जो है वो छोटी दीपावली है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही बड़ा। दही बड़ा ना बना के फ्रिज में रख दूंगी तो वो कल तक अच्छे से सेट हो जाएगा, तो वही बना रही थी मैं। और इमली गुड़ की चटनी, साथ ही साथ ये मैं ना चूरा बना रही हूँ जो वड़ा पाव के अंदर डलता है ना वो, और साथ ही साथ मैंने ये जीरा को भी भुन के पीस दिया है। और ये है दीपावली का दिन जहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, और प्रिंस यहाँ पर बाहर फूल लगा रहे हैं, साथ में आम का पत्ता वगैरह लगेगा, और पूरा घर अच्छे से सेट हो गया है, सोफ़ा कवर नया डल गया है, पिलो कवर चेंज हो गए हैं, एंड घर एकदम स्पार्कलिंग क्लीन लग रहा है। बाहर पूजा के कपड़े जो हैं वो सूख रहे हैं, और घर पे भी थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन हम करते हैं वो कर दिया है, पूजा का सामान आ गया है। पंडित जी एक्चुअली 11 बजे आने वाले थे, बट उनको आते आते काफ़ी लेट हो गया था, बट हमें तो 11 बजे का ही पता था, तो हमने सारी तैयारी जो है वो कर ली थी। यहाँ पे देखिए आम का पत्ता का जो ये तोरण बनता है ना, वो हम लगाते हैं जब भी घर में पूजा होती है या कुछ फेस्टिवल होता है, तो ये भी हमने लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये ओरिजिनल गेंदा का फूल और आम के पत्ते का तोरण। उसके बाद देखिए यहाँ पर खीर जो है वो रेडी हो गई है, बस अब मैं रेडी होंगी और पंडित जी का इंतज़ार करेंगे। 11 बजे आने वाले थे और 1:30 बज गया था गाइस, और भूख से ना जान निकल रही थी, मतलब हमने चाय वगैरह भी नहीं पिया था, पता नहीं क्या सोच के चाय नहीं पिया, बट वही है ना कि पंडित जी से हर बार तो पूजा नहीं कराते, साल में 1 या 2 बार होता है, तो हमने सोचा चलो उपवास ही रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का मैंने चना बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था ये, मतलब प्याज लहसुन वाले से भी ज़्यादा टेस्टी। और ये ब्रास के भी कुछ आइटम्स हमने लिए थे, तो ये
तिरुपति जी है, और ये है कुमकुम वगैरह रखने के लिए, साथ ही साथ सिल्वर चेन भी ली थी रितविन के लिए। तो यहाँ पे देखिए चना वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है। बिना प्याज लहसुन का मैंने खाना बनाया क्योंकि पंडित जी को भी खिलाऊंगी इसलिए। सो ये रेडी है। हाथ मेरा लाल दिख रहा होगा एक उंगली, क्योंकि अभी अभी मैंने आलता भी लगा लिया था। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर रेडी होने के लिए, और इसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया ही नहीं गई गाइस, तो मैंने ये रेड पहन लिया है। डोंट नो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद ना ये गले में मैं पहन रही हूँ जो ग्रीन, वो है तिलहरी। तो शादी के टाइम में ना बिहार साइड में चलता है, तो मेरी मौसी ने मुझे ये दिया था, तो मैंने सोचा ये भी पहन लेती हूँ। बट ये ना ओवरलैप कर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो फिर कभी पहनूंगी, अभी निकाल देती हूँ इसे। मैंने थोड़ा ऊपर करके भी पहनने की कोशिश की बट ये सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो जाने दो निकाल देती हूँ। एंड उसके बाद बहुत ही हल्की साड़ी मैंने पहनी है, क्योंकि ना गर्मी तो देखो वाइज़ैक में हो ही रही है, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं मेकअप कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस ये लाइट क्रीम जो है डे क्रीम वो लगाऊंगी। इसमें सनस्क्रीन भी है तो चल जाएगा, और ऊपर से कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ मैं। और प्रिंस भी रेडी हो गए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं पंडित जी का, वो आ जाए फिर हम पूजा जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो मैं तो रेडी हो गई हूँ, आलता भी मैंने आज लगाया है, और रितविन यहाँ पे देख रहा है क्रिश, क्योंकि ना वो थोड़ा परेशान कर रहा था तो उसको मूवी लगा के हम लोगों ने बिठा दिया है। और यहाँ पे ना आज हम लोग झंडा भी चेंज कर रहे हैं, तो जब भी घर में पूजा होता है एक साल में एक बार तो झंडा जो है बाहर वो चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे ना हम लोगों ने पूजा की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पंडित जी काफ़ी लेट हो गए थे, 11 बजे का बोल के 1:15 बजे आए थे, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत तैयारी करके रख देते हैं। इससे क्या होगा कि जब पंडित जी आएंगे तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी, और हम दोनों ही हैं तो सब कुछ सामने रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूजा के बीच में उठना नहीं होता है। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी धुल के रख के सुखा दिए थे हम लोगों ने। और ये जो चुक्का है ना, मतलब 5 पॉट्स हम भरते हैं 5 चीज़ों से, तो लड्डू लाई मूढ़ी और चना चूड़ा ये सब से, और गणेश जी लक्ष्मी जी को भी कपड़े जो है न्यू वो पहना दिए हैं, और जितनी भी तैयारियां थी वो हमने कर दी हैं। तो फाइनली जब पंडित जी आए तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पूजा हो गई है गाइस, और ये रहा आज का ब्रंच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पंडित जी के लिए निकाला है, गाइस वी आर रेडी टू सेलिब्रेट दिवाली। मे दिस दिवाली गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो शाम की जो पूजा है आरती है वो हो गई है, सबको टीका लगा देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे गेस्ट आना चालू होंगे। तो मैंने क्या क्या बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगी। डिनर मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि डिनर हमारा कहीं और पे है, तो बस स्नैक्स आइटम मैंने बनाए हैं। और ऐसे भी एक दूसरे के घर जा जा के ना पेट भर ही जाता है, तो बहुत कुछ मैंने नहीं बनाया है। तो सबसे पहले पूजा हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने जो दिया है वो पूरे घर में जला दिया था।
ओके गाइस, सो यहाँ पे देखिए साबूदाना बड़ा, खीर, वड़ा पाव और दही वड़ा मैंने बनाया था। और यस, पूरी चना पनीर की सब्जी वगैरह भी बनी थी। एंड यस, तो ये था पकवान आज का। और अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे, पटाखे भी आ गए हैं जो हम लास्ट में फोड़ेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम अपने फ्रेंड के घर जाके आ गए थे, वो लोग भी हमारे घर आ गए थे। और लास्ट एक लोग के घर जाना बचा है, बट उससे पहले यहाँ पे हम लोगों ने पटाखे वगैरह फोड़ लिए एंजॉय कर लिए। थोड़ा बहुत हम लेके आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और पटाखे फोड़ना मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैंने अपने पैसे में ही आग लगा दी है, बट शगुन के लिए थोड़ा बहुत हम लोग फोड़ते हैं, बच्चे की खुशी के लिए फोड़ना ही पड़ता है। रही हमारी दिवाली, आप लोगों की दिवाली कैसी रही कैसी नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। एंड आप लोगों ने कब दिवाली मनाया, 31st या 1st, ये भी बताना। हम लोगों ने 31st को मेनली मनाया था और 1 को भी मनाया थोड़ा बहुत, और हम फिर भूल भुलैया देखने भी गए थे 1 को ही, तो बेसिकली हमने 31 को ही मनाया। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ, इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट ईयर दिवाली का। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।